हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश ठाकुर और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं थिंग्स टू कैरी फॉर ट्रैकिंग के बारे में। और इससे पहले, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप बिगिनर हैं या आप ट्रैकिंग पर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये सोच के परेशान होते हैं कि ट्रैकिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें कैरी करूं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सब चीज़ें बताने वाला हूं जो आपको ट्रैकिंग के लिए कैरी करना है और जो ट्रैकिंग के लिए ज़रूरी है। ट्रैकिंग के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी हेल्थ। ट्रैकिंग पे आने से पहले अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाएं। अगर आप फिज़िकली फिट नहीं है या आप रेगुलर कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो अपने फैमिली डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। अगर आपके फैमिली डॉक्टर आपको अलाउ करते हैं ट्रैकिंग पे आने के लिए, तो आपका स्वागत है हमारे हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग ग्रुप में। और अब मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको ट्रैकिंग के लिए कैरी करना है। सबसे पहले आप कैरी करें फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में ईजिली मिल जाएगी और उसमें आपके लिए वो सब मेडिसिन होगी जिनकी आपको ट्रैकिंग में कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट एड बॉक्स कैरी करना ना भूलें। और उसके बाद नंबर टू पे आता है गुड ट्रैकिंग शूज़। अच्छे शूज़ ट्रैकिंग में आपके सच्चे साथी होते हैं, तो शूज़ को चूज़ करते समय आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे शूज़ अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, शूज़ में ग्रिप अच्छा होना चाहिए, शूज़ फ्लेक्सिबल होने चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, शूज़ को पहन के आप कंफर्टेबल होने चाहिए जिससे आपको ट्रैक करने में आसानी हो और ट्रैक आप अच्छे से कर सको। और इसके अलावा आप स्लीपर भी एक पेयर कैरी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ट्रैकिंग पे होते हैं तो बारिश या जब आप स्नो ट्रैक करते हैं तो शूज़ आपके गीले हो सकते हैं, तो कैंप साइट पे आके आप अपने शूज़ सूखने के लिए रख सकते हैं और स्लीपर को यूज़ कर सकते हैं कैंप साइट पे। इसके बाद आते हैं नंबर थ्री पे, जो है क्लोथिंग। क्लोथिंग में आप कैरी कीजिए दो पेयर टी शर्ट, दो पेयर स्वेटर, दो पेयर जैकेट, दो पेयर ट्रैकिंग पैंट, दो पेयर सॉक्स, एक पेयर हैंड ग्लव्स और एक वूलन कैप। और इसके बाद आपको कैरी करना है पोंचो या रेन शीट, जो आपको बचाएगी बारिश या स्नोफॉल से, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग में कभी भी स्नोफॉल या बारिश हो सकती है। तो इसके बाद आते हैं नंबर फोर पे, जो है टॉयलेट किट। टॉयलेट किट में आप कैरी कीजिए वो सब सामान जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं। इसमें आते हैं जैसे ब्रश, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, सोप, शैम्पू। और अगर आप स्नो ट्रैक पे जा रहे हैं तो सनस्क्रीन कैरी करना बिल्कुल ना भूलें। और इसके अलावा अगर आप कोई और चीज़ें रेगुलर यूज़ करते हैं तो वो भी कैरी कर सकते हैं। अब आते हैं नंबर फाइव पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स के बारे में। इसमें आपने कैरी करना है दो वाटर बॉटल, एक हेडलैम्प या टॉर्च। और अगर आप स्नो ट्रैक पे जा रहे हैं तो सनग्लासेस कैरी करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप विदाउट सनग्लासेस स्नो ट्रैक करते हैं तो आपको स्नो ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो आपको ये सब चीज़ों का ख्याल रखना है। और इसके अलावा आप कैरी कर सकते हैं मोबाइल बैटरीज, अगर आप फोटोग्राफर हैं तो DSLR कैरी कर सकते हैं, यूट्यूबर है तो GoPro कैरी कर सकते हैं। आप इन सब चीज़ों को एक साथ इकट्ठे करें और अपने रक्षक बैग में डाल दें और आपका बैकपैक तैयार है हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग के लिए। अगर आप हमारे साथ ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो बुकिंग के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे अभी कॉल करें। और इस वीडियो को अकेले बिल्कुल ना देखें, अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें जिनके साथ आप ट्रैकिंग पे जाने का प्लान कर रहे हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कोई सवाल हो तो कमेंट करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगली बार एक और एडवेंचरस वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय।
रिटर्न फ्रॉम द ब्यास कुंड, द वेदर वॉज चिलिंग एट दैट एंड हम लोग पैर पूरे आधे आधे वहाँ पे धस रहे थे. You'll enjoy walking on the snow. It was a panoramic view of the high mountain peaks at that point. Snow is better during the mornings. When you return day after, in the afternoons, your legs will go much deeper. The snow is not that hard. It gets soft. So yeah, it's much thrilling and fully enjoyable.